रीवा सहकारी समितियों के साथ साथ स्व सहायता समूहों द्वारा भी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जा रही है। धान खरीदी के दौरान अवैध राशि की मांग तथा किसान को घर से धान भरने के लिए बारदाने एवं टैग उपलब्ध कराने पर दो व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित थाने में FIR दर्ज कराई गई है। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि ग्राम बीरखाम में पलक स्व सहायता समूह के धान खरीदी प्रभारी प्रवीण मिश्रा द्वारा तौल के एवज में पैसे मांगने का वीडियो मिला था। जांच कराए जाने पर वीडियो सत्य पाया गया। इस संबंध में खरीदी प्रभारी प्रवीण मिश्रा के विरुद्ध सिमरिया थाने में FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही पलक स्व सहायता समूह बीरखाम को आगामी वर्षों में उपार्जन के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि दिव्या स्व सहायता समूह उमरी खरीदी केंद्र के संबंध में समूह के कर्मचारी भास्कर चतुर्वेदी द्वारा अनियमितता की शिकायत की गई थी। श्री चतुर्वेदी द्वारा किसान को शासकीय बारदाने अवैधानिक तरीके से प्रदान किए गए, किसान के घर में ही धान भरकर बारदाने की सिलाई की गई एवं टैग लगाए गए, इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए धान जब्त कर श्री भास्कर चतुर्वेदी के विरुद्ध थाना बैकुंठपुर में FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही दिव्या स्व सहायता समूह उमरी को आगामी वर्षों में उपार्जन के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है। आइए सुनते हैं पूरी की गई कार्यवाही और खरीदी को लेकर कलेक्टर मनोज पुष्प ने क्या कहा है। PDS के सिस्टम को, जैसा हम पहले भी आप सभी से बात करते रहे हैं कि PDS के सिस्टम को रिवैम्प करने की और ठीक करने की लगातार कोशिश की जा रही है। आज की तारीख में दिसंबर माह का जो अनाज है 100% दुकानों पर पहुंच चुका है। जनवरी माह का जो अनाज है वो भी लगभग 40% दुकानों पर पहुंच चुका है। दो शिकायतें मिली थी जिसमें कि कुछ उपभोक्ताओं से उनके पर्ची जनरेट करने के बाद भी उनको अनाज नहीं दिया गया था। इसकी शिकायत मिलने पर मैंने फूड कंट्रोलर को खुद भेजा था PDS की दुकान पर, और उन दोनों दुकानों में इस तरह की अनियमितता मिली है। जो स्टॉक है और जो उनके पास होना चाहिए उसमें अंतर मिला है। दोनों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है, एक कल हो गई है और एक आज की जा रही है। कौन सी धाराएं लगाई गई हैं सर, क्योंकि बीते दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था एक महिला के साथ भी छिनत हुई थी सर, ऐसा ही वो डिफरेंट इशू है। इसमें तो हम जब भी PDS के अनाज में कोई अनियमितता होती है वो तो व्यवहार से रिलेटेड इशू था। इसमें हम EC एक्ट अवश्य लगाते हैं और जिसमें फिर आसानी से जमानत नहीं होती है और सख्त कार्रवाई करते हैं। उन लोगों को भविष्य के लिए PDS से हम बाहर भी करते हैं। थैंक यू सर।